भैया आप देख सकते हो हमारे साथ में ये जो जो कैच फिशर हैं और ये यहाँ के नहीं हैं, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। दोस्तों पता नहीं कौन सा ये वृक्ष है और इसमें जो ये पुष्प है इनसे बहुत अच्छा खुशबू आता है एकदम से, बहुत लाजवाब है। और इधर शाम की जो लोकेशन है दोस्तों, मैं आपको एक बार इधर करके दिखा देता हूँ। ये व्यूज जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, एकदम से मनमोहक व्यूज होता है। Hey, so guys, welcome to my new blog, मेरी नई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम दोस्तों लखनऊ में हैं और लखनऊ में एक राधा कृष्ण मंदिर है और वहाँ पर हम आए हुए हैं। वहाँ की ये लोकेशन है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये पार्क टाइप का बना हुआ है तो हम यहाँ अभी घूमने आए हैं और आप यहाँ का नज़ारा कुछ देख ही सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा मंदिर है और मैं इसका भी व्यू आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों थंबनेल देख करके आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कोशिश रखूँगा कि अगर यहाँ अलाउ रहेगा तो हम आप लोगों को पूरा दिखाएंगे यहाँ का जो राधा कृष्ण मंदिर है। और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। वो बोर्ड है और इसी मंदिर के अंदर हम चलेंगे और ये गेट है मेन और यहीं से हम चलेंगे, आपको अंदर दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे और हम खड़े हैं अब उस पावन सरजमी पर जहाँ कृष्ण जो राधा कृष्ण मंदिर है और आप पीछे नज़ारा देख ही पा रहे होंगे। और ये गार्डन है, बहुत खूबसूरत गार्डन है जहाँ पर हम खड़े हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पसंद आएगी और मैं आपको वहाँ का दृश्य एक बार दिखा देता हूँ। ये बहुत खूबसूरत मंदिर है राधा कृष्ण का और यहाँ पर प्रत्येक दिन बहुत श्रद्धालु आते ही हैं। और हमारे साथ बने रहिए, लखनऊ की कुछ खूबसूरत वादियाँ आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे लुक आ रहा है। और यहाँ और ये पार्क, इसके अंदर हम लेके चलते हैं और हमारे साथ में आए हैं अनीस, ये देखिए। और ये यहाँ पर पार्क भी आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का पार्क। तो यहाँ से कुछ जो मंदिर की लोकेशन है इस तरीके की दिखती है। तो आई होप आप लोग, अरे अनीस कैसे हो? बढ़िया। अरे कहाँ लगे हो? अरे घर से बात कर रहे। अच्छा अच्छा, यहाँ से कुछ मंदिर का नज़ारा भी आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से दिखता है। यहाँ से मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप ये देख सकते हो, आप ये देख पा रहे होंगे, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार। ना जो ये पेड़ दिख रहा है आपको पीछे और इसमें जो ये सफ़ेद कलर का जो फूल दिख रहा है, ये यार बहुत खुशबूदार है। और इसका जो एक वृक्ष हमने अपने घर पे भी लगाया है और इसकी जो खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, बहुत यार लाजवाब इसकी खुशबू आ रही। मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट कलर के जो फूल आपको दिख रहे हैं और इसके पेड़ के नीचे वो खुशबू आ रही जैसे कोई परफ्यूम जैसा पड़ा है, तो ये इस तरीके के फूल आते हैं। तो हम एक बार देखिए आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा परफ्यूम आ रहा। तो मैं अभी सोच रहा था कि इधर यहाँ पर परफ्यूम कैसे महक रहा है। तो जब मैं इसके नज़दीक आया तो मैंने देखा इस जो फूल हैं इन फूलों से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो खुशबू के साथ हमारे साथ बने रहिए और हम आपको ऐसे इंटरेस्टेड ब्लॉग दिखाते रहेंगे। तो अब चलते हैं मंदिर के उस तरफ है, यहाँ का कुछ लाजवाब सीन है और ये राधा कृष्ण का बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पर रोज़ श्रद्धालु आते हैं। तो हम लेके चलते हैं। ये यार देखिए यार, बहुत यार खूबसूरत गैया लग रही और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा। धूप तेज ही है और ये टाइल जो है और ये पैर बिल्कुल जले जा रहे हैं एकदम से। और आपको यहाँ पर हम यहाँ का कुछ नज़ारा दिखा देते हैं आपको। यहाँ से जो लुक है कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत खूबसूरत मंदिर है और यहाँ पर शांति का ये प्रतीक तो है ही। तो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये ही राधा कृष्ण मंदिर है और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत है। लखनऊ में अच्छी चीज़ें तो देखने को मिलती ही हैं और देहात से हम लोग ठहरे और आते हैं तो हम सोच रहे हैं आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं और यहाँ का जो गार्डन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और दर्शन तो हमने आपको यहाँ के करा दिए और अब लेके चलेंगे किसी दूसरी लोकेशन पर और वहाँ आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहते हैं। बड़ा मज़ा आया और यहाँ पर जो चीज़ें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया अंदर, दोस्तों कैमरा अलाउ नहीं इसलिए हम आपको अंदर का सीन नहीं दिखा सकते, इसलिए सॉरी चाहेंगे। और अब चलते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर। तो अभी लखनऊ से होते हुए हम पहुंच गए हैं सिधौली और सिधौली में इस समय हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिया है और ये देखो कुलदीप भैया भी साथ में है, पुड़िया उड़िया लेने गए थे।
तो अभी यहाँ हम लोग रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद में फिर अब हम चलेंगे घर। नाश्ता वास्ता तो हम लोगों ने कर ही लिया है थोड़ा बहुत, और तो वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर दीजिए। या आप देख सकते हो हमारे साथ में ये जो कैच फिशर हैं, और ये यहाँ के नहीं हैं, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। लगभग यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से, मतलब ये इनका शौकिया अंदाज है और शिकार करने के लिए आ जाते हैं शौक में। और तो भैया कहाँ से आते हैं? अपनी बाइक से कि मतलब बाइक से आते हैं? तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि जो आपके हाथ में जो मशीन है ना, तो ये तो 4800 रुपए की मिली है, और इससे ज़्यादा तो मतलब मछलियाँ आप मतलब खरीद भी सकते थे। शौक है। अच्छा, शौक में आ जाते हो आप। तो कैसा लग रहा है यहाँ आपको? कितना घंटा हो गया है? 2 घंटे हो गया। 2 घंटे हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसके लिए आपका धन्यवाद है। और आप आते रहिए, और हम तो यही चाहेंगे कि बस भाई कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मेरी ऑडियंस देख रही है, आप क्या कहेंगे भाई? ये तो यही कहना चाहेंगे कि इस टाइम पुल का नज़ारा जो यहाँ का मौसम है बहुत सुहाना है। बहुत सुहाना है। तो देखा आप लोगों ने, भैया बता रहे हैं कि इस समय जो शाम होती है, शाम का और मॉर्निंग टाइम का जो नज़ारा खूबसूरत होता है, एकदम बहुत लाजवाब और लजीज होता है। तो आप भैया से सुन ही पाए हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए, मैं अभी भी आपको थोड़ा बहुत कुछ और दिखाने का प्रयास करूँगा। और ये भैया इधर देखो, कैच फिशिंग, जो फिश कैच कर रहे हैं इधर, ये दिखाते हैं अभी आपको। ये भैया कितनी दूर तक चली जाएगी इसको, क्या लगा है ये जरा दिखा दीजिए, थोड़ा नज़दीक कर दीजिए। आप लोगों को दिखाते हैं ये कैच जो मशीन, ये जो होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है? नहीं, इस मशीन का क्या नाम है? फिशिंग रोड। फिशिंग रोड इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये इसमें लगा होता है, और इसको पुश किया जाता है, बहुत दूर तक जाती है। एक बार हम दिखाएंगे, देखिए ये देखिए, और ये देखिए, इतनी दूर तक चली जाती है। लगभग कितनी दूर तक जाती है ये? कोल्डिंग चल रहा है क्या? तो ये कुलदीप भैया हैं जो कोल्डिंग पी रहे हैं इधर। और इधर शाम की जो लोकेशन है दोस्तों, मैं आपको एक बार इधर करके दिखा देता हूँ। ये व्यू जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, एकदम से मनमोहक व्यूज होता है। ऐसी कंडीशन मॉर्निंग में होती है और शाम के समय होती है। अनीश खड़े हैं, कैसा लग रहा है? तो कहाँ गए? लखनऊ में जो आप लोगों ने मतलब पूरा व्यू देखा, तो कुछ मजा आया क्या? भूख लगी थी, क्या खाया? भूख लगी थी, हमने चोखा बाटी खाया था। और भैया भी कुलदीप खड़े हैं, और साथ में चाचा जी भी थे, और दवाई गए थे लेने, और दवाई मिलने में थोड़ा समय था, डॉक्टर नहीं मिल पाया, और इस वजह से थोड़ा शाम हो गया। तो हम सोच रहे थे कि आपको भी यहाँ का व्यू, हम पहली बार भी आपको दिखा चुके हैं पहले भी, और आज भी फिर एक बार दिखा रहे हैं। शाम होने को आ चुकी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब हम लोग इधर पी रहे हैं, और अब हम निकलेंगे घर की तरफ। तो आप लोगों से चाहिए इजाज़त, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर कल किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।